भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने चट्टा में से उखाड़ के जैसे ही बाल पटका धरती पर, पटकते ही पटकते वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा हो गया। आंधी तूफान लेकर के पैदा हुआ। भोले भोले बाबा आदेश करिए, क्या आदेश है दास के लिए? बोले आदेश कुछ नहीं है बेटा, तुम कनखल में चले जाओ और कनखल में जाए के और जो दक्ष का जो यज्ञ है ना यज्ञ, उसे विध्वंस उखाड़ के फेंक दो। वीरभद्र आंधी तूफान सा लेकर के चला और जाते ही जाते महाराज और इसी मध्य में आदरणीय अभिभावक हमारे यज्ञपति जी जिनका नाम जयराम सिंह जी है, इनकी तरफ से 101 भारतीय मुद्रकों से मुझे स्वागत और सम्मान के रूप में ये 101 मुद्रकाएं भेंट की गई हैं और हमारे सभी साथी गणों को भी इन्होंने 11-11 मुद्रकों से सम्मानित किया है। कामना करेंगे कैसे भक्तों के हाथ सदैव धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, राधा रानी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। बोलो आनंद कंद भगवान की। अब जब वीरभद्र चला भोले बाबा का आदेश पा करके, तो भैया कनखल में जाते ही जाते इस वीरभद्र ने विध्वंस कर दिया। जाते ही जाते यज्ञ कुंड को उखाड़ के फेंक दिया, यज्ञ कुंड में पेशाब कर दी। पूसा नाम के देवता दांत खिलखिलाए के आए, सो जा वीरभद्र ने ऐसा घूंसा दिया सो 32 दांत बाहर। भृगु नाम के देवता अपनी दाढ़ी मोछ सतर करके आए, सो जा वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मोछ ही खा ली। दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ गई, बोले राक्षस आकर के तनिक देर में मेरे यज्ञ को भंग कर रहा है। हाथ में तलवार लेकर के दौड़ा, तो भोले बाबा का तो आदेश था ही था। हाथ में से तलवार दक्ष के में से छीनी और उसी की तलवार से उसी का जो सिर था वो धड़ से अलग कर दिया। खून की नदियां बह गई, खून की नदियां, महासंग्राम तबाही मचा दिया। और जब तबाही मची है तो देवता थर्राने लगे, यक्ष कांपने लगे। जब सभी घबराने लगे, धरती आकाश पाताल डोल गए, दसों दिशा थर्रा उठी, तो देवताओं ने सोचा कि अगर वीरभद्र ऐसे ही नुकसान करता रहा तो ये पूरी सृष्टि को उखाड़ करके फेंक देगा, क्योंकि भोले बाबा का आदेश है ऐसे, इसे शांत करो कैसे हूं। तो देवता भागे तुरंत भोले बाबा के पास और भोले बाबा से जाकर के कहा कि प्रभु अपने बा राक्षस को जाके समारो, मन तो यज्ञ भी ध्वंस कर डारो। भोले बाबा चले और कनखल में पहुंचे जहां सब देवताओं ने उनकी स्तुति करी। जब स्तुति करी है तो भोले बाबा ने सबसे पहले तो उस विध्वंस को रुकवाया। पूसा नाम के देवता सामने हाथ जोड़े के बोले, बोले प्रभु तुम्हारे राक्षस ने तो ऐसो हाहाकार मचा डारो कि हमारे तो 32 दांत ही टूट डारे जाने, अब हम भोजन कैसे करेंगे। बोले तुम खूब दांत भारे के आए होगे, इसलिए 32 दांत उखाड़े जाने, तुम्हें दांत नहीं दिए जाएंगे, तुम्हारे लिए हम स्पेशल इंतजाम किए दे रहे हैं। जो माताएं बहने खीर पूड़ी का मलीदा जो बनाती है ना भोग, वो आज से तुम्हारा भोजन होगा। पूसा देवता और भृगु नाम के देवता बाजे, बोले प्रभु जो ने हमारी दाढ़ी मोछी घट डारी, हम क्या करें। बोले रुको, तुम्हारा इंतजाम किया जाएगा। इंद्र के यहां से एक बकरा मंगवाए।